हमारो नहीं, अरे इधर कहते हैं ना, लगाव बड़ी चीज है, भक्ति बड़ी चीज है, स्नेह बड़ी चीज है, दुलार बड़ा ही मार्मिक भाव है। ये ऐसे एहसास हैं जिनको आज तक शब्द सिर्फ व्याख्यात करने में लगे हुए हैं, तब भी संपूर्ण रूप से नहीं कर पाए। इन्हीं एहसासों से ओतप्रोत एक भाव यूपी में शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से निकलकर सामने आया। अक्सर आप बड़ों की जुबानी सुनते हैं कि लड्डू गोपाल को पालना पोसना सबके बस की बात नहीं, ये हकीकत है। हर कीमत में उनके लिए वक्त निकालना पड़ता है। फिर जब आपको उनसे लगाव होता है तो ऐसा होता है कि दुनिया एक तरफ, लड्डू गोपाल एक तरफ। शाहजहांपुर में एक सरकारी अस्पताल में सभी डॉक्टर्स उस वक्त सकते में पड़ गए जब एक लड्डू गोपाल का भक्त सरकारी एम्बुलेंस से भगवान गिरधर गोपाल की मूर्ति को लेकर अस्पताल पहुंचा। सिसकी बांधकर रोते हुए भक्त ने डॉक्टर से कहा कि उनके भगवान लड्डू गोपाल को चोट लगी है, डॉक्टर प्लीज उनका इलाज कर दें। ऐसा कहते हुए भक्त लगातार रोता रहा। एक पल को यूं लगा कि लड्डू गोपाल के भक्त की पीड़ा अस्पताल की हवा में घुल गई हो। अस्पताल में मौजूद तमाम लोग लड्डू गोपाल के भक्त के पास इकट्ठा हो गए। डॉक्टर्स ने आस्था से परिपूर्ण जब ये माहौल देखा तो वो भी आस्था के मर्म में पिघल गए। डॉक्टर्स ने बाकायदा भगवान लड्डू गोपाल को भर्ती किया और उनका इलाज किया। इसके बाद युवक भगवान लड्डू गोपाल को लेकर घर वापस लौट गया। भगवान लड्डू गोपाल का सरकारी अस्पताल में इलाज पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सच्ची कहानी की शुरुआत कहां से हुई ये भी जान लीजिए। दरअसल शाहजहांपुर में खुटार थाना क्षेत्र के सुजानपुर गांव में रहने वाले भक्त रिंकू की भगवान लड्डू गोपाल में अटूट आस्था है। रिंकू हर रोज की तरह ही भगवान लड्डू गोपाल को स्नान करवा रहे थे। इसी दौरान उनके हाथ से भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति अचानक छूटकर जमीन पर गिर गई। भगवान लड्डू गोपाल को चोट लगने की बात कहकर रिंकू ने रोना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने 108 नंबर पर फोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवा ली। एम्बुलेंस पर तैनात स्वास्थ्यकर्मी ये देखकर हैरान रह गए कि घायल होने वाला कोई व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। हालांकि स्वास्थ्यकर्मियों ने मूर्ति का चेकअप किया और ठीक होने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद रिंकू जिद करके एम्बुलेंस के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गया। डॉक्टर साहब, आज एक व्यक्ति लड्डू गोपाल की मूर्ति लेके हॉस्पिटल में आया, हाँ। संबंध में क्या बता दीजिए। हाँ, रिंकू नाम का एक व्यक्ति है जो सुजानपुर गांव का है जी, ब्लॉक कुटार का जी। तो उसने एम्बुलेंस 108 को कॉल किया होगा जी। उसके बाद में एम्बुलेंस वहाँ पहुँची और लेने गई तो पता चला कि लड्डू गोपाल की मूर्ति है, इसको स्नान करा रहा होगा, वो गिर गई होगी जी। वो बहुत रो रहा है, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है जी। इस वजह से उसे सांत्वना दी गई है कि हाँ सब ठीक है जी, बाकी अभी यहीं पे है, तो उसको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल भगवान गिरधर गोपाल के परम भक्त रिंकू अपनी माँ के साथ अभी अपने लड्डू गोपाल को घर ले गए हैं। अब उनको ये संतुष्टि है कि उनके भगवान लड्डू गोपाल ठीक हो गए हैं, लेकिन भगवान लड्डू गोपाल के प्रति अटूट आस्था और भगवान का सरकारी इलाज जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप भी भगवान की आस्था में लीन होइए, उनके बताए आदर्शों पर चलिए, लेकिन इस बीच आस्था और अंधविश्वास में भी फर्क करना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए, क्योंकि आस्था और अंधविश्वास के बीच बड़ी ही महीन सी लकीर है जो कभी कभार नजर भी नहीं आती। शाहजहांपुर से पंजाब केसरी टीवी के लिए संवाददाता नंदलाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।